सबसे पहले विजयदशमी और दशहरे पर्व के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम यहाँ लेह में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को सायंकाल में मनाया जाता है। तो इस हर साल की तरह हम इस साल भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता जी को उनकी कैद से छुड़ाया था, जिसके कारण हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और जैसे दशहरा और इसका दूसरा नाम विजयदशमी भी कहा जाता है, तो विजयदशमी इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के साथ 10 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा और 10वें दिन जाके भगवान श्री रामचंद्र जी को लंकापति रावण जी के ऊपर विजय मिली थी। और उस दिन दशमी तिथि होने के कारण इस महापुण्य तिथि का नाम विजयदशमी पड़ा, क्योंकि ये त्यौहार असत्य पे सत्य की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत, पाप पे पुण्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार का मेन उद्देश्य मनाने का यही होता है कि लोगों को सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है, धर्म के रास्ते पे चलने का सौभाग्य मिलता है। और लोगों को आज के दिन यह संकल्प करना चाहिए कि लोगों के मन में जो भी बुराइयां हैं उनको त्याग कर एक अच्छाई वाले रास्ते को अपनाना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जाते हैं तो आज के दिन जो है सभी जो है ये कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी जो अंदर जो आपके एंगर है और उसी तरह जो है आपकी ईगो है, इस दिन जो है रावण के साथ जो है उसको भी जलाया जाए। और सभी जो है तो एक कमिटमेंट आज के दिन सभी को करना चाहिए, हम सबको जो है एट द एंड ऑफ द डे एक होके जो है सभी जो है एक भाईचारा के। श्री राम नमस्कार। संगमाले झूले आज इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी लद्दाखवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और हिंदू ट्रस्ट के ओर से बहुत बहुत मुबारक। हम एलजी प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके संयोग से पैरा मिलिट्री फोर्सेस के संयोग से ये विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम किस लिए मनाते हैं? बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, अधर्म के धर्म की जीत के लिए। ये पूरे विश्व को संदेश देते हैं कि असत्य पे सत्य की जीत होती है।